में आपका एक नंबर भी नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने ले लिया है नंबर दिलाने का ठीका। अगर आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 100 नंबर आप कैसे पक्का कर सकते हो। जो आज की इस वीडियो में आपको प्रश्न बताए जाएंगे, यही प्रश्न आएंगे 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, बस इतना जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ लेते हो तो 100 नंबर आपका पक्का हो गया, एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो भी 100% गारंटी के साथ। दोस्तों 24 मार्च को आपको बोर्ड परीक्षा देने जाना है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा और 14 प्रश्न आएंगे। 14 के 14 प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर 1 और 2 में क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। सिर्फ 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लो जो हम आपको वीडियो में बताएंगे, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। आने वाली वीडियो में सिर्फ 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, उन्हें अगर आप तैयार कर लेगे तो 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीन में पद्यांश आपसे पूछा जाएगा, इन पद्यांश गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, जो गद्यांश मैं आपको दिखा रहा हूँ यही गद्यांश अगर आप तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रख सकता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, भूमि का निर्माण देव ने किया है वह अनंत काल से, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य समृद्ध के प्रति सचेत रहना और हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यहाँ तक आप याद कर लेंगे, यहाँ तक आप इसे तैयार कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की बोर्ड परीक्षा में अगर ये नहीं आया तो आप मुझे बताना, तो आपको मैं आपको बताऊँगा। और देखिए उसके बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप धरती माता की कोख में, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर 2022 में पूछा गया है। तो इसे इन दोनों जो पैसेज है, दोनों गद्यांश, इन गद्यांश को अगर आप तैयार कर लोगे तो 10 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो गया गद्यांश में। प्रश्नोत्तर संख्या 3 से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार करके जरूर जाइएगा। दोस्तों अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर 4 संख्या में आपको वही पद्यांश, जैसे तीसरा प्रश्न है वैसे चौथा प्रश्न भी है, लेकिन इसमें पद्यांश रहता और इसमें गद्यांश। तो पद्यांश में आपको क्या तैयार करना है हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए पद्यांश में पवन दूतिका से पहला पैसे जो होता है, पहला पद्यांश है बैठी खिन्ना यक दिवस, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये पहला पद्यांश अगर आप तैयार करके जाओगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के 99% चांस है यूपी बोर्ड में, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, तू देखे कि जलद तन को, यहां से लेकर यहां तक इस पद्यांश को भी आप तैयार कर लोगे, इन दोनों में से कोई एक न एक आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। और देखिए तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, एक कैकेयी का अनुताप से लिया गया, ठीक है। ये तीनों पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अगर तैयार करके जाइएगा तो आपका समझ लीजिए काम बिल्कुल हो गया, 100 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इतना आप अगर तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए 30 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो गए, सिर्फ 3-4 प्रश्न अगर आप तैयार कर गए तो 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए पांचवा प्रश्न होता है, देखिए पांचवा प्रश्न में आपसे लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, का खंड में लेखक का साहित्यिक परिचय और खा में कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जो कि 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, 5+5 10 नंबर यहां से भी आपके पक्के हो गए। अब आपको तैयार क्या करना है, ठीक है। देखिए पद्य के लिए वासुदेव सरन अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और देखिए पद्यांश के लिए पद्य गद्य के लिए क्या आपको तैयार करना है, जैसा
शंकर प्रसाद, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ा से, यहाँ गद्य रहना चाहिए था और यहाँ पर पद, ठीक है। पद के लिए आपको जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये चार जो आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों आपके पास दो दिन बचे हैं और उन्हीं दो दिन में आपको अपनी तैयारी को बेस्ट करना है, ठीक है। देख लीजिए, जयशंकर प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपको क्या लिखना होगा, किसी कहानी का सारांश या फिर उद्देश्य आपको लिखना होगा। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं बहादुर और पंचलाइट कहानी आप तैयार करके जाइएगा, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं यही पूछा जाएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपसे अपने जिले का खंड काव्य आपको लिखना होगा, 80 शब्दों में उसे लिखना होगा और 5 नंबर इसके लिए भी आपको देने मिलेंगे। तो अपने जिले का जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, श्रवण कुमार और त्यागपति वगैरह वगैरह जो खंडकाव्य है, यही सब आप तैयार करके जाइएगा, एक ही खंडकाव्य आपको लिखना होगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इससे आपके पक्के होंगे। देखिए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ संदर्भ हिंदी में अनुवाद यानी अर्थ लिखना है आपको, किसी भी गद्यांश का, संस्कृत का जो गद्यांश होता है उसका आप संदर्भ लिखिए और उसका अनुवाद हिंदी में कीजिए। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या तैयार करना है, चलिए वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए गद्यांश में आपको तैयार करना है क्या, संस्कृत भाषा महत्वम, जो पहला चैप्टर आपका है संस्कृत भाषा महत्वम का, उसमें जो पहला पैराग्राफ है धनोम भारत देशा महाशिवी, यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो इससे आप ये आपका 99% चांसेस है यूपी बोर्ड 2022 में आने के। और देखिए महामना मालवीय का भी पहला पैराग्राफ आप तैयार करके जाइएगा, यही दो अगर आप तैयार कर लोगे तो 100% आपको 70 नंबर बिल्कुल, 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया संस्कृत के गद्यांश से, ठीक है। तो इससे आप तैयार करके जरूर जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर इस तरह से आपको नहीं बताएगा। और देखिए उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा में क्या पूछा जाता है, संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको क्या तैयार करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सुभाष रत्नानी में सुखार्थिना कुतो विद्या, यही जो श्लोक है इसे आपको तैयार करके जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है अब की बार इसके पूछने के। और उसके बाद उसी के नीचे जल बिंदु ये वाला भी आप श्लोक तैयार करके जाइएगा, इसके भी अगर ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका 7 प्रश्नोत्तर संख्या 8 कहा और कहा मिलाकर आपकी टोटल 14 नंबर क्लियर हो गए। तो ये सब आप तैयार करके जरूर जाइएगा, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये श्लोक है और ये जो है संस्कृत का, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी में अब आप जुट जाइए, अब आपके पास समय बिल्कुल भी कम है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपसे मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग, किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। इसके लिए हम आपको मुहावरा भी बता रहे हैं कि कौन सा मुहावरा आपको तैयार करना है। देख लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ईद का चांद होना, नाक कटना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और देखिए तलवार की धार पर चलना, दोस्तों सिर्फ आपको यही मुहावरा तैयार करके जाना है, अगर आप इसे तैयार करोगे तो 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 में आपसे क्या पूछा जाएगा, संधि विच्छेद विभक्ति और वचन शब्द युग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध और अशुद्ध, ये सब बहुविकल्पीय आपसे पूछे जाएगा, टोटल 8 नंबर के हो गए। इन सब के लिए स्पेशल आपको वीडियो आने वाली है, तो वीडियो आप आगे चलिए, देखिए इसे आप अभी उतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े प्रश्न आपके छूट जाएंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 में आपको क्या करना है, वीर और करुणरस की परिभाषा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा और चौपाई, रस छंद अलंकार के 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इन मटेरियल्स को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 सिर्फ यही 2 पत्र आप तैयार करके जाइएगा, 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कौन कौन से पत्र आपको तैयार करना है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए शहर में फैले संक्रामक बीमारी को सूचित करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखना,
ठीक है, शहर में जो आपके बीमारी फैली है उसकी सूचना देने के लिए नगर निगम को आपको पत्र लिखना होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2022 में 100% चांस है इसके पूछे जाने के, ठीक है। तो इससे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और यह बैंक से कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, क्या बैंक से कुटीर उद्योग के लिए, यानी कोई आप दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक से लोन लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है जिसे पत्र लेखन ही बोला जाता है, ठीक है। और देखिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप तैयार करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का आज ही हो जाएगा पत्र से, ठीक है। और देखिए आगे 14वें प्रश्न में आपको क्या तैयार करना, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 में आपसे निबंध पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो निबंध में आपको सिर्फ 3 यही तैयार करके जाइए और 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्या आपको तैयार करना, देख लीजिए बेरोजगारी समस्या और समाधान, इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और देखिए कोरोना वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 में आने के। और देखिए पर्यावरण प्रदूषण, यही 3 निबंध अगर आप तैयार करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ सकता हूं 9 नंबर आज ही आपका पक्का हो गया। तो इन सब को अगर आप तैयार करके जाओगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल आपका 100 नंबर पक्का हो गया, 100 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों 1 घंटे बाद आपको गद्यांश और पद्यांश पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपके 20 नंबर बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे, तो वो वीडियो आप देखना मत भूलना। इसके बाद जाइए वो वीडियो देखिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब